अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है, जिस तरह से मैंने ग्रुप पे आपके एमडीकेट ग्रुप जो कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने अपडेट दे दी थी कि बेटे कमिंग लेक्चर जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम इन वन शॉट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं वन शॉट डिस्कस करवा दूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को आप कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहा जाता है? तो आपने कहा है कि मैम कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड अ सैकेराइड, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन का क्या मतलब है? एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि यार कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड अ सैकेराइड। दूसरा, हाइड्रेट कार्बन होते हैं। हाइड्रेट कार्बन अगर मैं जनरल फार्मूला इसका दिखाऊँ, जनरल फार्मूला क्या है? CH2O इन ब्रैकेट वाई, ठीक है। अब ये एक्स और वाई कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। तो अब इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेट कार्बन मीन कि ये कार्बन है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और ये वाटर है। तो कार्बन और वाटर, इसको कहा गया है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं कि इज अ हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। मतलब कार्बन के साथ जो वाटर क्या होता है, वाटर किसी भी चीज़ को हाइड्रेट कर देता है, तो कार्बन के साथ है तो हाइड्रेटेड कार्बन है, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप लोग रट्टे की तरफ ना जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। मतलब ये जो है, इनके पास या तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो वो एल्डिहाइड होता है या क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा? एक तरफ H होगा, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं इसके पास। अच्छा, प्रिकर्सर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रिकर्सर है, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये प्रिकर्सर है। तो ये चार पॉइंट जो मैंने इंट्रोडक्शन की बता दिए। उसके बाद अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तीन बेस पे की गई है, ठीक है। सबसे पहले तो मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब, सेक्राइड तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को कहा जा रहा है। मोनो मतलब वन, जब एक कार्बन शुगर होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स भी कहते हैं, सेक्राइड्स भी कहते हैं। सेक्राइड मीन शुगर, ठीक है। तो अब मोनोसेक्राइड्स मीन सिंपल शुगर है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड मीन कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। मीन जो 2 से 10 तक होंगे ना वो कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड में आएगा। और पॉलीसेक्राइड मीन जो मोर देन 10 होंगे, ठीक है, जो मोर देन 10 कार्बन होंगे वो पॉलीसेक्राइड में आएगा, जिसे हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर कह रहे होंगे। तो इन तीन बेसिस पे इसको इसकी क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ साथ आप लोग भी बोलते रहे, ताकि आपको फौरन से इसी लेक्चर में सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट मोनोसेक्राइड, जिसको सिंपल शुगर कहा जा रहा है, बिकॉज ये सिर्फ एक ही कार्बन पे मुश्तमिल होता है। जो सैकेराइड होता है, ठीक है, जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ एक कार्बन, मीन मोनो, ठीक है। और ओलिगो मीन 2 से 10 कार्बन होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर कहा जा रहा है। पॉली मीन मोर देन 10 कार्बन जब होंगे सैकेराइड में, तो वो मोर कॉम्प्लेक्स शुगर कहलाएगी। तो ये तीन बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख ली। अब वन बाय वन इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो अगर टेस्ट की बेस पे देखा जाए ना, टेस्ट की बेस पे, तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। जबकि ओलिगोसेक्राइड का क्या होता है? लेस स्वीट हो जाता है, क्योंकि कार्बन इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें तो एक कार्बन है, मोनोसेक्राइड है, और इसमें 2 से 10 है, तो यहाँ पे लेस स्वीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पॉलीसेक्राइड बिल्कुल टेस्ट लेस होते हैं, क्योंकि इसमें तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें मोर देन 10 कार्बन एटम हो जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको जो टेस्ट का रिलेशन बताऊँ कार्बन से, तो इन्वर्स रिलेशन है, जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना टेस्ट कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉलिबिलिटी इन वाटर देख लेते हैं। तो बेटे मोनोसेक्राइड जो है ना वो इजीली सॉलिबल होते हैं वाटर में, जबकि ओलिगोसेक्राइड लेस सॉलिबल होते हैं, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? लेस सॉलिबल होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो तो स्प्रिंगली सॉलिबल, मीन इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सॉलिबिलिटी भी कार्बन से इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है इजीली सॉलिबल हो जाता है, जिसमें मोनोसेक्राइड है सिंपल शुगर है, ओलिगोसेक्राइड जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है वो लेस सॉलिबल होते हैं, और जो मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड शुगर है वो इनसॉलिबल होती है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, जैसे जैसे कमेंट करके बताएं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इट्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब खुद सोचिए, ये मोनोसेक्राइड है,
मोनोसेक्राइड मीन सेक्राइड, सेक्राइड जो है वो उस वो एक कार्बन पर मुश्तमिल है। तो खुद सोचे एक कार्बन के क्या हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक कार्बन को क्या तोड़ेंगे, तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। तो इसका मतलब मोनोसेक्राइड जो है वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि ओलिगोसेक्राइड क्योंकि वो 2 से 10 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है तो कैन बी हाइड्रोलाइज, वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर 8 पर मुश्तमिल होगा तो 4-4 करके या 2-2 करके ब्रेक डाउन हो जाएगी, मीन हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। साथ साथ मैं समझा रही हूँ, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ साथ साथ इसको नोट करते जाए क्योंकि बहुत सी चीज़ें वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने हाइड्रोलाइसिस में देखा कि मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बिकॉज इट कंटेनिंग ओनली वन कार्बन, तो क्या एक कार्बन को क्या फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे। जबकि ओलिगोसेक्राइड में देखा कि 2 से 10 कार्बन जिसे मैमदीना ने बताया तो कैन बी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। और पॉलीसेक्राइड तो हाइड्रोलाइज पॉसिबल ही होगी ना, मोर देन 10 है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। अब मोनोसेक्राइड की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक तो आपने मेन क्लासिफिकेशन देख ली कार्बोहाइड्रेट की कि मोनोसेक्राइड जो कि सिंपल है, ओलिगोसेक्राइड जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स है, और पॉलीसेक्राइड जो कि मोर कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। और वो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बता दिया तीनों में। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, अगर जैसे कि मोनोसेक्राइड जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम सिंपल शुगर कह रहे हैं, जो कि स्वीट टेस्ट होता है, इजीली सॉल्युबल होता है, और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता बिकॉज इट कंटेनिंग ओनली वन कार्बन, ठीक है। अब अगर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, अगर मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊं, तो बेटे मोनोसेक्राइड की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना वो किस बेस पे होगी, खुद सोचे वो किस बेस पे होगी। वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोज होगा, 4 होगे तो टेट्रोज होगा, 5 होंगे तो पेंटोज होगा, 6 होगे तो हेक्सोज होंगे। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। मोनोसेक्राइड की मजीद जो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड में किस बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है, तो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड दे रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे जो ओलिगोसेक्राइड में जो क्लासिफिकेशन हुई है ना वो किस बेस पे हुई है कि भाई हाइड्रोलाइसिस, जिस तरह से हमने देखा कि मोनोसेक्राइड में तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट कंटेन ओनली वन कार्बन, लेकिन हमने देखा कि ओलिगोसेक्राइड में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है बिकॉज वो कंटेन करता है 2 से 10 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसमें हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, तो हाइड्रोलाइसिस की बेस पे ही इसकी क्लासिफिकेशन है कि भाई ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड दे रिलीज, कितने हाइड्रोलाइसिस के दौरान कितने किस कंपाउंड में से कितने मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है किसकी, ओलिगोसेक्राइड की। और इसी तरह से पॉलीसेक्राइड की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। अब पॉलीसेक्राइड की अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो जो है किस बेस पे हुई है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने देखा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बाद में ये कहिएगा नहीं कि मैम हमें पता नहीं था, ये एमसीक्यूज हमसे मिस हो गया, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ये जो बता रही हूँ ना ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। तो बेटे पॉलीसेक्राइड में आपने जो मैंने कहा कि पॉलीसेक्राइड में जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हुई है, ठीक है। जबकि ओलिगोसेक्राइड में क्या हुई है, हाइड्रोलाइसिस की बेसिस, मीन हाइड्रोलाइसिस पे किस कंपाउंड में से कितने मोनोसेक्राइड रिलीज हो रहे ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। जबकि मोनोसेक्राइड में जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है वो कार्बन एटम की बेसिस पे हुई है, ठीक है। सो अब इन सारी क्लासिफिकेशन को फर्दर जो हुई है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोनोसेक्राइड, जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम हुई है, जैसे ट्रायोज, ठीक है, ट्रायोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और फार्मूला क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताएं फार्मूला क्या बनेगा। मैंने जनरल फार्मूला आपको क्या लिखवाया था, CH2O (Y). तो मैंने क्या बताया कि जो X और Y है ना ये वैल्यूज होती है जो कि फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 यहाँ पे लगा दिया आपने, और इसी तरह से इस H2O को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2=6 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन 1 है तो 3×1=3, और ये C3 आपने एज इट इज लिखा। तो अब आपको जनरल फार्मूला का यूज़ करना आ गया, ये जनरल फार्मूला था, और आपने कार्बन नंबर 3 के लिए जब इसको सॉल्व किया तो C3H6O3 यहाँ पे आ गया फार्मूला, एज इट इज़ आया या नहीं। तो जनरल फार्मूला इस तरह से आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्मूला तो आ गया, आपने कहा कि ट्रायोस जिसका जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, आपने जनरल फार्मूला भी बता दिया। इसकी एग्जांपल किस तरह से, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी होगी जो कि क्या है, ग्लाइसल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। अब जिस तरह से मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं,
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे मीन फंक्शनल ग्रुप है जो है उसमें एल्डिहाइड होगा, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगी तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। तो अभी जो दो एग्जांपल दिए मैंने किस बेसिस पे दिए, वो उन्हीं दो बेसिस पे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है सॉरी ग्लाइसल्डिहाइड जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो है, देखो एसीटोन आ रहा है मीन कीटोन फैमिली है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। मतलब जो मैं एग्जांपल दूंगी ना उसमें मैं आपको एल्डिहाइड ग्रुप का भी एक मेंबर आपने याद रखना होगा और कीटोन ग्रुप का भी। जिस तरह से हमने ट्रायोज में देखा कि नंबर ऑफ कार्बन तीन है, ट्राई मीन तीन, और फार्मूला आपने जनरल फार्मूला से निकाल लिया और एग्जाम्पल आपने याद रखनी होगी, ठीक है। सो ये सारा जो मैंने बताया आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो ट्रायोज मीन एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉर्म, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकंड में कीटोन ग्रुप है। इस तरह से टेट्रोज होता है फोर कार्बन, ठीक है, और सेम आपने जनरल फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा C4H8O4, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, जो टेट्रोज की एग्जाम्पल है वो एरेथ्रोज है और एरेथ्रोज है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन है, ठीक है। इस तरफ पेंटोज में फाइव कार्बन होते हैं, ठीक है, और आपने जनरल फार्मूला से सॉल्व किया तो C5H10O5 आ जाएगा। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है राइबोज, राइबुलोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो है ये आरएनए की शुगर है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए की शुगर है, ये तो पता ही होगा ना। अच्छा, हेक्सोज जिसमें सिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके लिए आपने जनरल फार्मूला से जब निकालेंगे तो C6H12O6 आएगा। इस तरह से मैंने करके बताया ना, मैंने सिर्फ पहले वाले का करके बताया। आपका होमवर्क है कि आप इन चारों की करके दिखाएं और फिर मैच करें कि सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हेक्सोज की जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज, फरक्टोज एंड गैलेक्टोज है। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फरक्टोज और गैलेक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरह से हेप्टोज देखे सेवन कार्बन एटम और उसमें आपने जनरल फार्मूला से निकाला तो आपका फार्मूला गया और सीरो हेप्टुलोज आपने याद रखना है। तो ये मैंने सेवन जो है कार्बन एटम तक बताए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये सारे आपने याद रखने हैं, इनकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है एमसीक्यूज में। बाकी ये जनरल फार्मूला और ये तो आपको पता ही होगा कि ट्राई है तो तीन है, टेट्रोज है तो फोर है, पेंटोज है तो फाइव है, हेक्सोज है तो सिक्स है, हेप्टोज है तो सेवन है, और ये फार्मूला तो आप जनरल फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है, और ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, टेट्रोज क्या होता है, रेयर इन नेचर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। जो टेट्रोज होता है जिसमें आपने एरेथ्रोज देखा और एरेथ्रोज देखा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेचर में ना ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो आपने टेट्रोज का बताना है, कौन सा रेयर इन नेचर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने मोस्टली याद रखनी है, ठीक है। सो ये मैंने मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन बता दी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड की जो मैंने ट्रायोस का अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से जो है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रायोस में ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है और ये डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन है, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड मैंने क्या बताया कि बेटे इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। किस तरह से, अब इसमें आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है, ये जो CHO है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट का, और जबकि कीटोन ग्रुप जो है देखिए सेकंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है फर्स्ट वाले कार्बन है, ठीक है। तो सेकंड वाले देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। जिस तरह से मैंने बताया कि बेटे ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे भी आर चेन होगी, ये ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे भी आर, तो ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप लगा है तो इसका मतलब वो कीटो फॉर्म है, ठीक है, मीन डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। देखें फार्मूले में इसके कीटोन कीटो ग्रुप आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इस वजह से हम इसमें आखिर में एसीटोन लगाए कि ये कीटोन ग्रुप की, एसीटोन ग्रुप की फैमिली को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एल्डिहाइड फॉर्म देखें ग्लाइसल्डिहाइड, इसके आखिर के नाम में ही आपको दिख रहा है कि एल्डिहाइड मीन एल्डिहाइड फैमिली से, और आपने खुद देखा कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एल्डिहाइड और ये देखिए कीटोन ग्रुप। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको मोनोसैकेराइड फ्रॉम फॉर्मर रिंग स्ट्रक्चर इन सॉल्यूशन, अच्छा, और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, जो मोनोसैकेराइड है ना, अगर आप इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप मोनोसैकेराइड को डालेंगे तो वो रिंग शेप रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि राइबोज आपने देखा, ठीक है। राइबोज कौन सी शुगर थी, पेंटोज में आ रही थी ना, पेंटोज की एग्जाम्पल ली, जो मैंने बताया था कि राइबोज आरएनए में होती है, आरएनए शुगर है, जबकि डीऑक्सीराइबोज डीएनए, ये बताया था ना। अच्छा, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पेंटोज शुगर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको एग्जाम्पल देख के पूछ सकते हैं कि कौन सी शुगर है, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो अब ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है,
एक पेंटोज शुगर है, लेकिन जब आपने इसको सॉल्यूशन में डाला ठीक है, तो ये क्या हो गई, रिंग फॉर्म में आ गई ठीक है। ये तब हुआ जब आपने सॉल्यूशन में डाला, तो रिंग जो है देखिए 1 और 4 में जो ऑक्सीजन ने लिंक बनाया और एक रिंग फॉर्म बन गई ठीक है, और जो ये तब होगी जब आप इसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अच्छा उसके बाद सेम अगर मैं ग्लूकोज का बताऊँ ठीक है, तो बेटे ग्लूकोज आपको दिख रहा है, ग्लूकोज कौन से उसमें कैटेगरी में आ रहा है, ग्लूकोज मीन हेक्सोज, हेक्सोज फैमिली में से था, हेक्सोज में से था ना ये ग्लूकोज कंटेनिंग 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सोज शुगर है ठीक है। अब इसको भी आप जब उसमें डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये क्या है, डी फॉर्म ठीक है, डेक्सट्रो रोटेटरी शुगर बन जाएगी ठीक है, एक रिंग फॉर्म बन जाएगा 1 और 4 के दरमियान ठीक है। अच्छा 1 और 5 के दरमियान। अच्छा एक ये बात याद रखिए कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है ना रिक्वायर करेगी 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी ठीक है। ये उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताए रहे कि बेटे अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को प्रिपेयर करना है, 10 ग्राम ग्लूकोज को मतलब प्लांट ने 10 ग्राम ग्लूकोज को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो उसको कितनी सोलर एनर्जी चाहिए होगी, उसको चाहिए होगी 1717 ठीक है, 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी चाहिए होगी। अगर उसको इतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो 10 ग्राम ग्लूकोज बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा ठीक है। तो ये आपने एक याद रखना है। उसके बाद आता है अवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ऑफ ग्लूकोज। अब हमारा जो ब्लड है ना तो वो नॉर्मली जो है ना कितने परसेंट ग्लूकोज कंटेन करता है, ये परसेंट भी आपको याद होना चाहिए, 0.08% ग्लूकोज ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर जिस तरह से मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, तो मैं आपको बता रही होती हूँ बेटे इस तरह से वो बता सकते हैं, इस तरह से MCQs पूछ सकते हैं 5 से 5, जबकि कोई भी टीचर इस तरह से, आप खुद मुझे कमेंट करिए, कोई भी आपको इस तरह से नहीं पढ़ाता ठीक है। जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि इस तरह से MCQs आते हैं, उसका इंटरेस्ट पढ़ने में लग जाता है, तो बेसिकली इस वजह से मैं आपको ये सब बता रही होती हूँ, जबकि ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन मैं इस वजह से करवा रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट रहे ठीक है। अच्छा अब मैंने जो पूरी यहाँ तक डिस्कशन की, तो इसमें मैंने हर जगह बताई कि इस तरह से MCQs पूछा सकता है, इस तरह से पूछा सकता है, तो थोड़ा सा एक्टिव रह के ना उन सारी चीज़ों को नोट कर लिया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं वर्बली बता रही होती हूँ। अब जैसे कि ये MCQs प्रूव है कि द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट है ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ठीक है, जो रेस्पायरेशन में यूज होता है, किसके तौर पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हम कौन सा सबस्ट्रेट, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेटे कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लूकोज ही कर रहे होते हैं ना, ग्लूकोज ही कर रहे होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ये तो आप सबको पता होगा। अब आते हैं ऑलिगोसेक्राइड। अब जिस तरह से हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज देख लिया ठीक है, वो मैंने कहा कि उसकी एग्जांपल याद रखनी है ठीक है, और सारा समझा भी दिया। इसी तरह से ऑलिगोसेक्राइड की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो मैंने क्या बताया था कि बेटे किस बेस पे है, वो किस बेस पे है कि ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस किस कंपाउंड में से कितने मोनोसेक्राइड रिलीज हो रहे हैं ठीक है, कि मोनोसेक्राइड रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, हाउ मेनी मोनोसेक्राइड रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, उसकी बेस पे ऑलिगोसेक्राइड की टाइप्स हैं फर्दर। अच्छा तो ऑलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड ज्वाइन बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये तो आपको पता है कि दो मोनो, क्योंकि ऑलिगोसेक्राइड में हम बात करते हैं कि ऑलिगोसेक्राइड में हमारे पास 2 से 10 शुगर, इसके दरमियान जो है शुगर की क्वांटिटी हो सकती है, कार्बन एटम की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल दो शुगर है ठीक है, ये फर्स्ट है ये टू, तो ये दोनों जो है आपस में लिंक होते हैं, तो जो लिंक होते हैं वो जो ज्वाइन होते हैं वो किस दो शुगर किस बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होती है, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जो है शुगर आपस में मीट कर रही होती है ठीक है ऑलिगोसेक्राइड में, क्योंकि मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक ही होगी, उसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनता ना, क्योंकि एक शुगर एक ही कार्बन एटम होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से 3 शुगर्स भी हो सकती है, 1 2 3, तो इन तीनों के दरमियान क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिए मैंने 2 शुगर के दिए कि बेटे एक ये फर्स्ट शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन से, और ये जो हमारी सेकंड शुगर है इसके सेकंड कार्बन की 4 कार्बन से जो है ये बॉन्ड होता है ठीक है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप और H2O रिलीज़ होता है, कंडेंसेशन होती है ठीक है, और बॉन्ड बनता है जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंडेंसेशन जो है एक वो है जिसे हाइड्रोलाइसिस आपने पढ़ा था कि ब्रेकडाउन होती है, कंडेंसेशन में ज्वाइनिंग होती है ठीक है,
और रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, जबकि हाइड्रोलाइसिस में ब्रेकडाउन होती है और ऐड होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा होता है हाइड्रोलाइसिस, जो कि एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है। कंडेंसेशन एक ज्वाइनिंग, एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का भी पूछते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जो मैं क्लासिफिकेशन अगर आपको बताऊं कि बेटे जिस तरह से मैंने कहा कि ऑलिगोसैकेराइड की जो क्लासिफिकेशन है फर्दर, वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, हाउ मेनी मोनोसैकेराइड रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, उसकी बेस पे। तो फॉर एग्जांपल ऑलिगोसैकेराइड फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट, ऑलिगो ऑफ जो फिजियोलॉजिकली जो इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना ऑलिगोसैकेराइड, क्योंकि हमने देखा है कि यार ऑलिगोसैकेराइड में से 2 से 10 कार्बन एटम इनमें से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम डाईसैकेराइड की बात कर रहे हैं, मीन दो शुगर जो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे हम दो शुगर की, स्पेसिफिकली दो शुगर की बात कर रहे हैं, जो कि फिजियोलॉजिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ऑलिगोसैकेराइड ब्रैकेट में डाईसैकेराइड लिख दिया, क्योंकि उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे थ्री वो आ जाते हैं, पहले माल्टोज आ जाता है, ठीक है, डाईसैकेराइड में, जो कि एक फ्रूट शुगर है, ठीक है, और सक्रोज आ जाता है जो कि केन शुगर कहते हैं, ठीक है, और लैक्टोज मिल्क। अच्छा, इसको ये शुगर जो कह रहे हैं फ्रूट शुगर, क्योंकि ये माल्टोज फ्रूट में ज़्यादा आपको मिलेगी, इस वजह से फ्रूट शुगर कहते हैं। इस तरह सक्रोज केन में आपको ज़्यादा मिलेगी, तो केन शुगर कह रहे हैं। लैक्टोज क्योंकि मिल्क में ज़्यादा होती है, तो मिल्क शुगर कह रहे हैं। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ जाता है कि लैक्टोज इज ऑल्सो नॉन एज मिल्क शुगर, माल्टोज इज ऑल्सो नॉन एज फ्रूट शुगर, सक्रोज इज ऑल्सो नॉन एज केन शुगर, ठीक है। तो डाईसैकेराइड की मैंने तीन आपको बता दी। अब ये माल्टोज जो होता है फ्रूट शुगर, ये कौन से दो शुगर से बना होता है, ये कौन से दो सैकेराइड से बना होता है? तो बेटा ये जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ कहा कि ये फर्स्ट शुगर है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और ये दूसरे वाले का जो चौथा कार्बन है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज क्या हो 6 हेक्सोज से बिलोंग करते हैं ना, तो 6 कार्बन एटम होते हैं, तो फर्स्ट वाले की 1st कार्बन और दूसरे वाले की 4 कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा ना, α14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसे क्या हुआ, α14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, वो किस में होगा, माल्टोज में होगा, ठीक है। 1,4 बॉन्ड होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, आपने याद रखना होगा, और 2 ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं देन माल्टोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 2 ग्लूकोज डाईसैकेराइड की बात कर रहे हैं ना। इस तरह से सक्रोज में क्या होता है, सक्रोज में होता है, अगर मैं कलर चेंज करूं तो बेटे सक्रोज में जो है एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन नंबर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, किसमें, सक्रोज में या केन शुगर में, और कौन से दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, और मिलके सक्रोज बनाते हैं। इस तरह से लैक्टोज में अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज होता है और दूसरा गैलेक्टोज होता है, ठीक है, और इनके दरमियान ग्लूकोज के 1st कार्बन से गैलेक्टोज के 4 कार्बन के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जिसे हम 1,4-glycosidic bond, β-1,4-glycosidic bond कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो बेटे पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड की हमने बात की थी कि इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो होती है